गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर सेवन्थ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन का क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के कीवर्ड्स। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखा था कि क्लाइमेट क्या होती है, एडेप्टेशन क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, दिन के समय कब पाया जाता है। मैंने आपको बताया था क्लाइमेट क्या होता है, 25 ईयर्स की जो एवरेज होती है किसकी, वेदर की, वो क्या कहलाता है, एक एवरेज क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जो दिन के समय अधिकतम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारा दिन के समय, वो कब होता है, आफ्टरनून में होता है ऑलमोस्टली, कब होता है, दोपहर में होता है। हमको पता है कि हमारा सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, दोपहर में होती है। और मिनिमम टेम्परेचर में न्यूनतम ताप कब पाया जाता है, दिन के समय अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग के कुछ जो घंटे होते हैं, सुबह के जो कुछ घंटे होते हैं, उनमें क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स। फर्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं, अनुकूलन। हमको वर्ड के नेम से ही पता चला, अडेप्ट मीन्स अनुकूल होना किसी के लिए। जैसे कि हम जानते हैं पोलर रीजन होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि अर्थ में दो रीजन पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, दो, कौन कौन से, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन को क्या बोला गया था, ध्रुवीय क्षेत्र, जिसमें क्या होती है, बर्फ जो होती है हर साल बहुत ज़्यादा गिरती है, उसमें क्या होता है, पर ईयर स्नो की परत पाई जाती है, बर्फ की परत पाई जाती है। क्या बर्फीला क्षेत्र हो तो वो क्या कहलाता है, पोलर रीजन। एंड ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसे क्या बोला गया, ट्रॉपिकल रीजन। उसका क्लाइमेट जो होती है, जलवायु क्या होती है, हॉट होती है। क्यों होती है, गर्म क्यों जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उसके जो स्थान है वो किसके चारों तरफ पाया जाता है, इक्वेटर के चारों तरफ पाया जाता है। अर्थ की जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके चारों तरफ कौन सा रीजन पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है। हमसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पाया जाता है, तो क्या आंसर देंगे, इक्वेटर के चारों तरफ जो रीजन पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। अब मैंने आपको दो रीजन बताए यहाँ पे, कौन कौन से, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको बताया। अभी फर्स्ट आया हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन, किस तरीके से अनुकूलित होता है। अब देखो, बर्फीली क्षेत्र के जो एनिमल्स हैं, बियर्स वगैरह, भालू वगैरह, उन पर हमने देखा है बहुत सारे बालों की सफ़ेद फर होती है उनके ऊपर। अगर हम उनको राजस्थान में लेके आएंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो उनकी बॉडी उसके रीजन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, मतलब उसी के थ्रू अनुकूलित है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अगर राजस्थान में लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे राजस्थान में गर्मी बहुत है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट कीवर्ड अडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स का मीन्स होता है विशिष्ट विशिष्टताएँ। फीचर्स का मीन्स होता है हमको जो फैकल्टीज मिलती है, वो क्या कहते हैं, विविधताएँ। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स और आवास विच इनेबल, जो बनाता है, योग्य बनाता है प्लांट और एनिमल्स टू लिव, रहने के लिए इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। इसका मीनिंग यह है, हमारे चारों तरफ जानवर और एनिमल्स को अडेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स को इनेबल कराते हैं, मतलब अवेलेबल कराते हैं, जिससे के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल उस अडेप्टेशन के थ्रू सर्वाइव कर पाए। आपको समझ में आया फर्स्ट कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड क्या है, अडेप्टेशन। अनुकूलन का मीन्स होता है जिसमें एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन। फर्स्ट कीवर्ड क्लियर। अब हम देखेंगे सेकंड कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड है क्लाइमेट। मैंने आपको बताया था क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम अराउंड 25 ईयर्स। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम अराउंड 25 ईयर्स, मतलब 25 सालों के वेदर की जो एवरेज निकलती है वो क्या कहलाती है, क्लाइमेट, राइट। लंबे समय तक जो वेदर की एवरेज निकाली जाती है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। क्लियर आपको फर्स्ट एंड सेकंड कीवर्ड।
थर्ड कीवर्ड है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या है एलिमेंट्स ऑफ वेदर? इसमें से हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं या मौसम के तत्व क्या हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के तत्व। द टेम्परेचर कौन कौन से हैं, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड अदर फैक्टर्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमने देखा, टेम्परेचर, ताप, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल, बारिश, विंड स्पीड का मीन्स होता है हवा की गति, एंड अदर फैक्टर्स और अन्य कारक क्या कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्या कहलाते हैं मौसम के तत्व। आपको समझ में आया एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है? क्वेश्चन हमारा व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर, हम क्या कहेंगे द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। आपको थर्ड कीवर्ड आया, नेक्स्ट कीवर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मैंने आपको बताया अभी, आर्द्रता। द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, मेजर ऑफ मॉइस्चर का मीन्स होता है नमी इन द एयर, हवा में जो नमी उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है आर्द्रता। क्या आंसर है इसका, ह्यूमिडिटी का क्या बताया मैंने की टर्म्स, ह्यूमिडिटी का की टर्म्स ये है द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, हवा में जो नमी उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है ह्यूमिडिटी। आया समझ में आपको, फर्स्ट और फोर्थ कीवर्ड क्लियर हुए। फर्स्ट कीवर्ड है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन, जिसमें से क्या होता है प्लांट्स और एनिमल उस वेदर या उस क्लाइमेट के थ्रू सर्वाइव कर पाते हैं वो क्या कहलाता है अडेप्टेशन। सेकेंड क्लाइमेट, क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु, लॉन्ग समय तक जो वेदर की एवरेज निकाली जाती है वो किस में आती है क्लाइमेट में आती है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर कौन कौन से है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है आर्द्रता। द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, हवा में जो नमी उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है ह्यूमिडिटी। फर्स्ट टू फोर्थ कीवर्ड आपको समझ में आ गए थे। नेक्स्ट कीवर्ड फिफ्थ कीवर्ड, फिफ्थ कीवर्ड है मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या हमारा फिफ्थ कीवर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं अधिकतम ताप। क्या बोलते हैं हिंदी में मैक्सिमम टेम्परेचर को, अधिकतम ताप। आंसर है हमारा इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून। क्या बताया मैंने इसमें, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम ताप इन द डे, दिन के समय स्पेशली इन द आफ्टरनून। कहाँ पाया जाता है, सॉरी कब पाया जाता है, आफ्टरनून में होता है, दोपहर में सबसे ज़्यादा ताप पाया जाता है, सबसे टेम्परेचर कब होता है आफ्टरनून में होता है। क्लियर आपको फिफ्थ कीवर्ड, फिफ्थ कीवर्ड है मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है आफ्टरनून में होता है। देखते हैं हम, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट कीवर्ड सिक्स्थ कीवर्ड है माइग्रेशन, माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवास करना, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, प्रवास करना वो क्या कहलाता है माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते हैं, वो क्या कहलाता है माइग्रेशन कहलाता है। देखते हैं हम यहाँ पे माइग्रेशन, द लार्ज स्केल मूवमेंट, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ स्पीसीज, किसका, जातियों का बड़े पैमाने पर मूव करना जाना फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर, मतलब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में मूव करना जाना, टू एस्केप एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस एट होम, मतलब उनके घरों की जो कंडीशन कैसी होती है, एक्सट्रीम का मीन्स होता है चरम क्लाइमेट जलवायु कंडीशंस परिस्थिति, उनकी चरम जलवायु परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको
एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ता है स्पीसीज को, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। आपको समझ में आया सिक्स्थ कीवर्ड? सिक्स्थ कीवर्ड क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीन्स है प्रवास करना। क्या होता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे स्पीसीज होती हैं जो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर मूव करती हैं वन एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में। क्यों करती है? क्योंकि वहाँ के घरों की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। देखते हैं द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर टू एस्केप एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस एट होम। नेक्स्ट कीवर्ड सेवंथ, मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम। तक मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम न्यूनतम, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है हमसे इनसे कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर? हमको किन दोनों में अंतर बताना है? अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर में तो हमने क्या पढ़ा था? वो दिन के समय आफ्टरनून में होता है, ये क्या होता है? दिन के समय मॉर्निंग में होता है। देखते हैं इसका आंसर। इट इज मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम ताप ऑफ अ डे दिन के समय, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग। कब होता है? स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग, दिन के समय होता है। मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? दिन के समय होता है। दिन के मतलब शुरुआत के जो कुछ घंटे होते हैं वो क्या कहलाता है? मिनिमम टेम्परेचर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर स्पेशली कब पाया जाता है? आफ्टरनून में। और मिनिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है? स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट कीवर्ड पोलर रीजन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया पोलर रीजन क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र जिसमें क्या होती है, स्नो जो होती है, बर्फ क्या होती है, वो बर्फ से ढका रहता है क्षेत्र जिसमें पर ईयर स्नो गिरती रहती है, वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन। देखते हैं हम यहाँ पे पोलर रीजन के हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। द रीजन विच आर वेरी कोल्ड एंड बिकॉज इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। वो किससे ढका होता है? स्नो से ढका होता है। द रीजन वह क्षेत्र विच आर वेरी कोल्ड, वह कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है। बिकॉज क्योंकि इट इज कवर्ड जो ढका होता है बर्फ से थ्रू आउट द ईयर हर साल। हर साल वह क्षेत्र जो हर साल बर्फ से ढका रहता है वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन। हमसे इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पोलर रीजन, पोलर रीजन क्या होता है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? द रीजन विच आर वेरी कोल्ड बिकॉज इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। वापिस से रिपीट कर रही हूँ। फिफ्थ टू एट कीवर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं अधिकतम ताप। वह टेम्परेचर, इट इज मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब अधिकतम ताप दिन के समय, स्पेशली इन द आफ्टरनून कब पाया जाता है? दोपहर में पाया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको समझ में आया। नेक्स्ट कीवर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था? प्रवास करना। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घरों की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको बड़े पैमाने पर स्पीसीज जातियों को क्या करना पड़ता है? एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन। नेक्स्ट सेवंथ कीवर्ड मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं न्यूनतम ताप को। कब पाया जाता है? दिन के शुरुआत के कुछ घंटों में। इट इज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग। पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन। द रीजन विच आर वेरी कोल्ड बिकॉज इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। आपको फिफ्थ टू एट कीवर्ड समझ में आ गए? नेक्स्ट कीवर्ड नाइन कीवर्ड ट्रॉपिकल रीजन।
ट्रॉपिकल का रीजन मैंने अभी बताया था, अर्थ पे कितने रीजन पाए जाते हैं? दो। कौन कौन से? पॉलर और ट्रॉपिकल। ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इट इज जनरली अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कैसी जलवायु होती है? गर्म और नमी वाली। कैसी? हॉट एंड वेट क्लाइमेट पाई जाती है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। उसकी जो लोकेशन है वो किसके चारों तरफ है? इक्वेटर के चारों तरफ है, मतलब भूमध्य रेखा के चारों तरफ उसकी लोकेशन है। परिस्थिति वो क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। इसमें क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ट्रॉपिकल रीजन की क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट एंड वेट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन देखते हैं। इट इज जनरली अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसकी जलवायु हॉट एंड वेट होती है, क्योंकि उसकी लोकेशन भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाई जाती है। आपको समझ में आया 9th कीवर्ड? अब हम पढ़ेंगे 10th कीवर्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेम से पता चला ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, रेन वर्षा फॉरेस्ट वन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये कहाँ पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में, वेयर, जहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज फाउंड। जहाँ की जलवायु कैसी होती है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन वेयर हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज फाउंड। ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है जिसकी जलवायु हॉट एंड वेट होती है। नेक्स्ट कीवर्ड एंड लास्ट कीवर्ड, वेदर। वेदर का मीन्स होता है मौसम। हमको पता है कि मौसम जो होता है वो बदलता रहता है डे बाय डे, आवर टू आवर, मिनट में भी चेंज हो जाता है कभी कभी तो, जैसे कभी बारिश तो कभी धूप। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर की जो परिस्थिति है वो दिन, डे टू डे, एट अ प्लेस, किसी स्थान पर, विद रेस्पेक्ट टू देयर एलिमेंट्स। किसके थ्रू होती है? एलिमेंट्स के थ्रू होती है, लाइक टेम्परेचर। कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एटसेट्रा। वेदर का मीन्स क्या होता है? मौसम। मैंने आपको क्या बताया? वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। किसके थ्रू होता है? जैसे कि हमने माने एलिमेंट्स लिए थे, हमने कौन कौन से थे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, 9th, 10th, 11th कीवर्ड। 9th कीवर्ड का ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसकी जलवायु हॉट एंड वेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो किसके तरफ पाई जाती है? इक्वेटर के चारों तरफ पाई जाती है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वह कहाँ पाया जाएगा? ट्रॉपिकल। इट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज फाउंड। वह ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है जिसकी जलवायु हॉट एंड वेट होती है। नेक्स्ट, वेदर, मैंने आपको क्या बोला? मौसम। वो एलिमेंट्स के थ्रू चेंज होता रहता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड के थ्रू क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। आज के हमारी क्लास में हमने इलेवंथ कीवर्ड जो टॉपिक था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ेंगे।